ये जो किसान है यहाँ पर अपने खेतों पर इस समय है, वहां पर मैं सीधा आई हूँ। मैं देखिए, एक बहुत आसान सियासत में एक बात कर दी जाती है, जो आंदोलन के लिए बैठते हैं वो किसान है कि नहीं, लेकिन मैं ये भी यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सब कुछ ना कुछ समय के लिए बैठ कर आए हैं। और आज जब कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर आए कटाई के लिए, अभी आपको गन्ना आपका बेचना है, कृषि कानून कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? इतना उत्साह दिख नहीं रहा है, कितना महसूस किया? बहुत खुशी की बात है, कई महीने तपस्या कई किसानों ने, उस तपस्या का रिजल्ट यह है कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने किसानों को खुश कर दिया। बहुत खुशी की बात है, हद से ज्यादा खुशी की बात है। आज पहले प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि किसान अपनी जगह पर सही था और उन्हें किसानों की जीत है। ये जीत हमेशा एकता की और शक्ति की जीत होनी चाहिए, बड़ी खुशी की बात। आप लोग भी गए थे वहाँ पर? हम लोग भी गए थे, कई बार गए, ये संघर्ष बड़ा बहुत कठिनाइयों का था। आप लोग लेकिन आज जीत से बहुत ज्यादा खुशी मिली है, वो थकावट खत्म हो गई। गाजीपुर बॉर्डर पे गए थे, और बैठे थे वहाँ पे, जो कितना दिन बैठे थे, साल भर से बैठे थे। अब देखिए कि मानी गई है बात, खुशी है कि 13-14 महीने से उधर बैठे थे हम, अब आके हमारी तपस्या का फल मिला है हमें, तो हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा अभी तक जितना था वो शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, था वो शांत हुआ है, बताइए। बहुत ज्यादा गाजीपुर बॉर्डर पर अभी तक थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा एकदम हम अकेदम खेतों में है इस समय मौजूद, जहाँ पर अभी कटाई चल रही है, देखिए फावड़े लेकर ही सब है, लेकिन जैसे ही खबर मिली शुरुआत में तो किसी ने किसी ने यकीन नहीं किया कि ऐसा हो गया है। और उसके बाद जब धीरे धीरे सबने उसके बाद खबर देखनी शुरू की और सबको समझ में आया कि सचमुच में ऐसा हो गया है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा आवाज लग रहा है, हम बता नहीं सकते कि कितना अच्छा हमें महसूस हो रहा है। बहुत एक बार वहाँ जाना पड़ता था, एक बार यहाँ आना पड़ता था, गन्ने का तो ये भी पता था कि बिकेगा नहीं बिकेगा, रेट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी तो मिल रहा है, लग रहा है कि हो जाएगा। चुनावी घोषणा ना हो आप लोग भी कहते हैं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी घोषणा ना हो तो हाँ, उसके बाद फिर दोबारा लगा दी जाए तो वो उसमें अभी हमें पूरा वो नहीं है, क्या मन में ये टाइप है ऐसे ऐसे लॉलीपॉप भी हो सके पर, लेकिन ऐसा मान्य प्रधानमंत्री शब्द अच्छा लगा हुआ है तो ये विश्वास तो हमें करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकते, दुनिया के लिए बोल रहा होगा, लेकिन ये जो तप तपस्या की लड़ाई थी किसान के साथ, ये सच्चाई की जीत है। ये कह तो दिया उन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन मन में तो जाओ जाग रहा की कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव हो तो ही मुझे भी हो सके ना, उली उली बाबा चाली चोर, ये तो हमें उली उली होगी तो दोबारा करेंगे, लेकिन चलो हम विश्वास कर रहे हैं, अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी का अगर स्टेटमेंट है तो उनके सराहनीय है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे है, किसान की तप तपस्या की लड़ाई जीत हुई है, ये किसान एकता की जिंदाबाद है, किसान एकता की जीत है, प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो इसका दिल्ली चढ़ जाएंगे हम, चढ़ जाएंगे मरने जीने का नहीं बनने के, या तो स्टेट जी को रोक लो, नहीं तो इसका मामला पसार पार का हो जाएगा, लेकिन अभी तो हो गया है ना काम, अभी यकीन नहीं आ रहा, हो गया अलग तरह की बात, अभी भी यकीन नहीं आ रहा, इनको सबसे कम यकीन हो रहा था, अभी विश्वास नहीं आ रहा, जैसे ही ये खबर हमने इनके सामने दी वैसे ही इनको सबसे कम यकीन हो रहा था कि ऐसा ना हो, भका रहे हो इलेक्शनों की वजह, भका रहे हो तो अभी विश्वास, इलेक्शन के बाद 2024 का भी तो इलेक्शन होगा, हाँ ये तो हो जाएगा, कर दिया तो बहुत ही बढ़िया, आगे मिल जाएगी किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, हाँ बिल्कुल मेरा गीत आ जाइए, कहिए जरा ऑनलाइन गा दीजिए जल्दी से, परो भाइयो कान खोल के गम में पैसा लगा दो, हाथ खोल के कृषि कानून हटा है, इसका भी लाइन आपको लिखना पड़ेगा आप जल्दी, है ना। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ जो किसान है, आइए आप भी आइए, तो यहाँ जितने किसान हैं वो सब अपने कामकाज पे लौटे थे, यहाँ पर आंदोलन की जगह को कुछ समय के लिए छोड़कर कामकाज पर लौटे थे, और वो सब अब इस बात को सोच रहे हैं कि इसमें कितना विश्वास करें, क्योंकि सबके लिए बहुत ही शॉकिंग खबर आ गई है। हाँ जी हाँ, मोदी जी कानून वापस ले,
कानून वापस हो गए। ये बड़ी खुशी की बात है। और आपने पहले मोबाइल पे देखा, किसी ने फोन करके बताया? मैं फोन करके बता, मोबाइल पे भी आया। हाँ, अभी गन्ना भर के लाए हैं, उधर से आए थे हम, गन्ने का कार्य चल रहा है ना, तो गन्ने का वो करने के लिए आए थे। किसी ने बताया कि ऐसा हो गया? आपको विश्वास हुआ? हाँ हाँ, विश्वास हुआ, पूरा विश्वास। उसके बाद आपने टीवी देखा? हाँ, सचमुच में ऐसा है। हाँ, मोबाइल पे मैसेज आया है। हम लड्डू बनाए जाएंगे, हम लड्डू बनाए जाएंगे चीनी से, अन्य चीनी का मिठासी खत्म हो गया। इस जो अब ये गुड़ बनेगा और गुड़ का प्रसाद सबको बटेगा, ये किसान की जीत की खुशी में अब गुड़ में मिठास आओगी, अब लड्डू में मिठास आओगी। अपना तो फिक्का ही चल रहा था मामला, अब तो मिठाई खत्म हो गई थी। फैसला प्रधानमंत्री का भी आंदोलन किसानों का, राकेश टिकैत की खुशी आप लोगों को इस समय? देखो, खुशी हर वो आंदोलन कार्यकर्ता जो वहाँ सम्मिलित था या अपने घर पर था, जिसका समर्थन था, हर वो किसान के लिए खुशी का फल है, संघर्ष का फल है, जिन्होंने संघर्ष के बाद आज जीत हासिल करी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा सोचा, और ये और पहले नहीं ले लेते तो इन्हें तब तपस्या न करनी पड़ती, लेकिन ये बता गया संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। ये आज वो संघर्ष है जिससे सफलता प्राप्त। इसी तरह से यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक एक करके जैसे जैसे सबको खबर हो रही है, आपको भी खबर हो गई, आपको भी खबर आ गई कि जो ये कानून है वापस हो गया, खुश हो रहे हैं या चौंक गए? ये भी बोल रहे थे कि ऐसा न हो कि चुनाव के बाद कुछ और हो जाए। अच्छा किया आप भी बच्चों के वहाँ आंदोलन पे, आप कहाँ से समर्थन दे रहे थे? हर जगह खुशी की लहर हर जगह जितने किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा सा ब्रेक आपने लिए थोड़ा सा मनाने चले गए कि अभी काम थोड़ी, अब हम अपने झंडे घेरते ही अब जब वो बनवाओगे लड्डू बनवाओगे और गुड़ भी अभी ताजा आज झंडों का बनवाओगे, और ये गुड़ सबको प्रसाद लड्डू सबको बंटेंगे, सबके वो मिठास जो पैदा हुई इस मुंह मीठा होने की खुशी के पल में प्रधानमंत्री जी को भी भेजा गया भारत स्वीकार कर। तो आज तक सबसे पहले पहुंचा है मुजफ्फरनगर में किसानों के बीच, और ये रिपोर्ट आप वहां से देख रहे हैं।